हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जीकेवी गाजी के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मीरा रोड की अभी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। एक मोहसिन नियाजी भरा रोड से अजमेर शरीफ जा रहे ऑन साइकिल, तो आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या तैयारी चल रही है। जस्ट अभी निकलने वाले, तो आइए हम लोग देखिए यहाँ मेरी जदीद कलेक्शन मेरी शॉप है, उसके बाजू में नियाजी है, तो यहाँ पर से भाई निकल रहे हैं और इनका मैं आपको लुक दिखाता हूँ। यहाँ से निकलने वाले हैं KGN मीरा रोड टू अजमेर, और ये है हमारे मोहसिन भाई, यहाँ से निकलने वाले हैं अभी अजमेर शरीफ के लिए। नियाजी बुटीक है, यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं आप। मोना भाई, तो ये जो मोहसिन नियाजी भाई ये फ्रॉम खानका नियाजी बरेली, बरेली में ये खानका है नियाजी, ये उनके यहाँ से मीरा रोड से ये अजमेर शरीफ निकलने वाले हैं अभी। यहाँ पर देखिए उनका बैकपैक है, यहाँ पर पानी की बोतल है और ये साइकिल पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी हमारे अब्बा जा रहे हैं हम लोग मिलने के लिए उनको, मोहसिन भाई को। कहाँ पर है मोहसिन भाई? तो बरेली के हैं, अंदर से निकलेंगे अभी। तो यहाँ पर गाइज अब्बा और मैं मिलने चले गए थे मोहसिन भाई को, बहुत अच्छे से मुलाकात की उन्होंने हमसे और अपने सफ़र के बारे में बताया। यहाँ पे क्योंकि बहुत भीड़ थी इसीलिए मैं ज़्यादा तफसीर में आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आइए हम उनसे बात करते हैं। मोहसिन भाई से बात करते हैं और उनको मुबारकबादी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। पहली बात तो मोहसिन भाई बहुत बहुत मुबारक, आपने माशाल्लाह मुबारक सफ़र के लिए तैयारी किए हैं, तो मेरे व्यूअर्स को आप बताइए कि आपने क्या तैयारी की और कितने दिन का सफ़र होगा आपका? 18 दिन का रहेगा माशाल्लाह, अजमेर शरीफ का। ओके आप लोग में जरूर जरूर, हमारे जीकेवी की तरफ से आपके लिए बहुत दी दुआएं हैं, तमाम आसानी आता फरमाए अल्लाह माशाल्लाह। 15 से 18 डेज के अंदर ये तय करेंगे पूरा सफ़र, ऑन साइकिल जाने वाले हैं मीरा रोड के लिए। ये एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है मीरा रोड में, एक बहुत बड़ी बात है। जैसे शिहाब चितूर भाई निकले थे केरला से हज के लिए, यहाँ पे हमारे मोहसिन भाई निकले हैं मीरा रोड से अजमेर शरीफ के लिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको उम्रा और हज की सआदत भी नसीब अता फरमाए इसी ख्वाजा गरीब नवाज की बरकत से। यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं उनको मिलने के लिए, काफ़ी सारे लोग मिलने आए हैं उनको, और ये उनकी साइकिल तैयार की जा रही है बैकपैक के साथ में। अब यहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं मोहसिन भाई को मिलने के लिए, और जाहिर सी बात है एक बहुत ही बड़ा सफ़र है 15 दिन का ऑन साइकिल, और बहुत ही हम लोग मीरा रोड वालों के लिए बहुत ही एक प्राइड की बात है ये वाली। अभी कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे, इनके काफ़ी सारे भाई जो नियाजी भाई है यहाँ पर आए हैं मिलने के लिए। शॉप है जदीद कलेक्शन, बिल्कुल उसके बाजू में है ये नियाजी बुटीक, और मीरा रोड में नियाजी बुटीक काफ़ी फेमस है, तो ये इनके साथ जाने वाले हैं नियाजी। एक है ये जो मोहसिन नियाजी भाई है, इनके पीर भाई है, तो ये भी एक साथ में जाने वाले हैं माशाल्लाह, और यहाँ पे अभी फुल तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए उनको सब मिलने के लिए आ चुके हैं, उनके टीम मेंबर्स यहाँ पे सब उनको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और अभी मोहसिन भाई यहाँ से निकलने की तैयारी में है, ये है उनकी साइकिल। ये देखिए ये तैयार हो चुके हैं, साइकिल पे बैठ चुके हैं, और यहाँ से अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। तो अभी ये रात में हाईवे पे निकलेंगे, इसलिए रेडियम का जैकेट पहन रहे हैं ताकि साइकिलिस्ट लोग जो पहनते हैं, ताकि ये हेडलाइट्स वगैरह में ये चमकता है और लोगों को पता चलता है कि रात में कोई साइकिल पे है करके। तो यहाँ पे अभी तैयार हो रहे, और यहाँ पे देखो नियाज बढ़ रही है, मैंने भी एक नियाज दिए सबको। तो गाइज अब मोहसिन नियाजी भाई निकल चुके हैं यहाँ से मीरा रोड से, और अकेले ही सफ़र के लिए निकले हैं साइकिल पे। जीकेवी हम उनके लिए बहुत दुआ करते हैं कि उनका सफ़र आसान हो और अपनी मंजिल पे बखैरियत पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।